नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक में हम आपको तीन ऐसे नियम बताने वाले हैं जिसका पालन करने से आप अपने जीवन में निश्चित तौर पर सफलता को प्राप्त करेंगे ही और आपका भाग्य भी हमेशा आपका साथ देगा। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो तीन नियम जो आपको प्रतिदिन करने चाहिए। पहले तो आप ये जान लीजिए कि हम गलती कहाँ करते हैं। जीवन में जब भी आप कोई नियम बनाते हैं अपने लिए, चाहे वो जप करने का नियम हो या हनुमान चालीसा का पाठ करने का नियम हो या फिर राम नाम के जप को करने का नियम हो या आप किसी भी मंत्र का जब जप कर रहे हो नियमित रूप से, तो उसमें कभी भी कोई बाधा मत आने दीजिए। यानी कि यदि जीवन में आपने कोई नियम बना लिया है तो फिर अब चाहे कुछ भी हो जाए उस नियम का पालन करना परम आवश्यक है। क्योंकि जब भी हम नियमित रूप से किसी कार्य का अभ्यास करते हैं, जैसे अगर आप श्री राम जी के नाम का जप का अभ्यास कर रहे थे, तो उस अभ्यास को करते करते जब आप इस ब्रह्मांड को ऊर्जा भेजते हैं अपनी कि मैं प्रभु श्री राम जी के नाम का जप कर रहा हूँ, उसको सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ, श्री राम नाम की कृपा को अपने जीवन में लेकर आने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो जो ऊर्जा आप नियमित रूप से उस ब्रह्मांड में भेज रहे थे, इस सृष्टि में वो भेज रहे थे, वो अगर अचानक रुक जाए तो आप सोचिए कि फिर से पुनः आपको उस ऊर्जा को दोबारा प्रेषित करना पड़ता है और जितना अभ्यास अब तक आपने कर लिया था फिर दोबारा उसी काम को आपको प्रारंभ से शुरू करना पड़ता है और इसलिए आप सफल नहीं हो पाते हैं। अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि जो भी नियम आप बनाते हैं उसका पालन आपको करना ही चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए आपका नियम नहीं टूटना चाहिए, इस बात का ध्यान आपको रखना है। अब क्योंकि आप समझ गए होंगे कि जब नियमित रूप से आप इस सृष्टि में आपके द्वारा ऊर्जा भेजी जाएगी तो एक बार अवश्य ऐसा होगा कि बहुत शीघ्र ही वो ऊर्जा पलट कर आपके जीवन में आपके भाग्य के साथ में आपके पास पहुँचेगी। गलती अब तक यही हो रही थी आपसे कि आप नियम का पालन नहीं कर पा रहे थे, अचानक से उसको तोड़ दे रहे थे और फिर से जब शुरू करते हैं तो फिर पहले क्रम से उसको शुरू करना पड़ता है। इस वजह से आपकी कोई भी इच्छा पूरी होने में समय लगता है या वो इच्छा पूर्ण ही नहीं हो पाती है। अब बात करते हैं दूसरे कार्य की। तो दूसरा जो कार्य है वो ये है कि आपको प्रार्थना हमेशा करनी है। जैसा कि महाराज जी कहते हैं कि सदैव जो लोग समाज के हित में सोचते हैं, समाज के हित में प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती है। यानी कि जो व्यक्ति अपनी प्रार्थनाओं में केवल अपने लिए ही नहीं सोचता है बल्कि इस संपूर्ण समाज के लिए सोचता है, तो ऐसे लोगों की इच्छाएं आपने देखा होगा कि बहुत से सफल व्यक्ति के जीवन में ऐसा हुआ है कि उनकी प्रार्थनाओं में सामाजिक हित को पहले प्राथमिकता दी गई थी। आपको अपनी प्रार्थनाओं में एक परिवर्तन करना है। क्या परिवर्तन करना है और कैसे करना है? कि आपको अपनी प्रार्थनाओं में अब से व्यक्तिगत प्रार्थना की बजाय लोक हित में प्रार्थना करनी है। जब आप ऐसा करने लग जाते हैं तो आपका कद बहुत बड़ा हो जाता है, आपकी जो भागीदारी होती है प्रकृति की ओर, समाज की ओर, वो बहुत बढ़ जाती है। आप ईश्वर पे जो जिम्मेदारियां डालते हैं वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो जो भी व्यक्ति समाज के हित के बारे में सोचते हैं, इस संपूर्ण समाज के बारे में सोचते हैं, तो ऐसी प्रार्थना उनकी बहुत शीघ्र पूरी होती है। क्योंकि जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, यानी कि समाज के हित के लिए आप प्रार्थना करते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए आप इस प्रकार से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु मेरे जीवन में मुझे सुख समृद्धि प्रदान करिए, तो यहाँ बस आपको ये छोटा सा परिवर्तन करना है कि अब आपको ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो और आप इस संपूर्ण सृष्टि को सुख समृद्धि प्रदान करें। अब दोनों प्रार्थनाओं में अंतर क्या है कि पहले आप व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन अब जो आप प्रार्थना कर रहे हैं वो सामाजिक हित में कर रहे हैं। तो अब ईश्वर इस प्रार्थना को जल्दी स्वीकार कैसे कर लेते हैं? क्योंकि ईश्वर एक बात जानते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये सारे समाज का भला चाहता है। अगर मैं इसे ये जिम्मेदारी दूं, यानी कि अगर मैं, मान लीजिए ईश्वर आपको इतना धनवान बना दे क्योंकि आपको सद्बुद्धि ईश्वर ने ही प्रदान की है, तभी आप समाज के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर ईश्वर आपको धनवान बना देते हैं तो ईश्वर ये समझ कर आपको धनवान बनाने का प्रयास करेंगे कि इस व्यक्ति से पूरे समाज का कल्याण होगा क्योंकि ये व्यक्ति पूरे समाज के बारे में सोचता है। तो समाज के हित के लिए ही ये व्यक्ति कार्य करेगा, अपने धन को समाज के हित में प्रयोग करेगा।
अब इसमें भला किसका हुआ, आपका भी और संपूर्ण समाज का भी। तो इसलिए अपनी प्रार्थनाओं में यही बदलाव आपको करनी है कि आपको संपूर्ण समाज के कल्याण के विषय में प्रार्थना करनी है। आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी स्वीकार होगी। तो ये था आपका दूसरा काम जो आपको प्रतिदिन करना चाहिए। आप देखिए तीसरा कार्य क्या है। तीसरा कार्य जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही चमत्कारिक है। तीसरा कार्य है प्रभु श्री राम जी के नाम का लेखन करना। ये आपको करना ही है, लेकिन कैसे करना है, बहुत से लोग पूछते हैं क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो आपको एक बहुत ही साफ सुथरी सी एक कॉपी बना लेनी है और उस कॉपी में आपको प्रतिदिन राम राम लिखना है। अगर आप इसको और अच्छा करना चाहते हैं तो आप श्री राम भी लिख सकते हैं, राम राम या सीता राम, जैसे चाहे आप वैसे लिख सकते हैं। जो आपको प्रिय लगे आप उस तरह से राम जी के नाम का लेखन कर सकते हैं। राम राम लिखने से क्या होगा कि जब आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो आपको प्रभु श्री राम जी के नाम का लेखन करना है, ये आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाएगा। और प्रभु श्री राम जी के नाम को जब आप बार बार उसको लिखेंगे तो आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में वो नाम छप जाता है। जिस प्रकार से जब हम राम राम बोलते हैं, जप करते हैं, रटते हैं, तो राम राम बोलने से क्या होता है, हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में प्रभु श्री राम जी के नाम का वास हो जाता है। यानी कि जब भी आप खाली समय में बैठे होंगे तो आपके मुख से अपने आप ही राम जी का नाम निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ को आप लिखने में जब लेकर के आते हैं तो आपके मस्तिष्क में प्रभु राम जी का नाम अंकित हो जाता है और खाली समय में भी आप प्रभु श्री राम जी के बारे में ही सोचते रहते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं। तो सोचिए कितना पवित्र देव हो जाएगा जो कि प्रभु श्री राम जी के नाम का अभ्यास करते होंगे। और नाम जप की महिमा अगर मैं आपको बताऊं तो आप किसी भी इष्ट देव के नाम का जप जब आप करते हैं तो वो जप करने की जो प्रक्रिया है वो इतनी अद्भुत है, आपको उससे इतने लाभ प्राप्त होते हैं, आपके इष्ट देव की कृपा आपको तुरंत अति शीघ्र प्राप्त होती है। दूसरा, अपने जीवन में आपको कोई और वस्तु या चीज़ दिखाई ही नहीं देगी, केवल प्रभु का नाम ही नाम आपको दिखाई देगा, उसी में आप लीन हो जाएंगे। और सोचिए कि सृष्टि में केवल एक ही चीज़ का वास है, सत्य की खोज आप कर रहे हैं, जीवन को आप जानना चाहते हैं, अध्यात्म में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इस सृष्टि को आप समझना चाहते हैं, तो नाम जप अवश्य आपको करना ही चाहिए। नाम जप ही मात्र वो साधन है, वो रास्ता है जिससे आपका बहुत बहुत लाभ हो सकता है। और सबसे बड़ा फायदा इसका यह होता है कि आपके भाग्य को इससे वृद्धि मिलती है। आपके भाग्य में, मान लीजिए, बहुत सारे लेख ऐसे होते हैं जो ईश्वर के द्वारा भाग्य में लिखे होते हैं, लेकिन नाम जप करने से जो आपके भाग्य में अगर कुछ अनिष्ट भी लिखा हुआ है तो उसका भी निवारण हो जाता है। और बहुत सी चीजें आपको नाम जप से प्राप्त भी होती हैं, जिसमें आपको प्रसिद्धि से लेकर के जीवन में धनवान यदि अगर आप बनना चाहते हैं, भौतिक सुख यदि आप चाहते हैं, अध्यात्म में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, समाज कल्याण के बारे में आप सोचते हैं, तो ये सारी चीजें आपको नाम जप से प्राप्त हो सकती हैं। और इसको आप चाहे कितना मर्जी सुन लीजिए, इसका श्रवण कितना मर्जी कर लीजिए, लेकिन जब तक अपने जीवन में आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आप नाम जप करें या नाम का लेखन करें, एक ही बात है और बहुत ही अच्छी बात है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि जो कॉपी हम प्रभु राम जी के नाम का लेखन जिसमें हम करते हैं जब वो भर जाएगी तो उसका हमको क्या करना चाहिए। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ कि उसका आप बड़ी ही शुद्धता से, जैसे आप अपने घर में रामायण जी को या भगवद गीता को आप लाल कपड़े में लपेट कर रख देते हैं, उसी प्रकार से इस कॉपी को भी आप अपने पूजा स्थान में रख दीजिए और उनकी पूजा विधि विधान भी आप जैसे रामायण जी की करते हैं आप वैसे कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप जब इस कॉपी को पूजा विधि विधान के साथ अपने पूजा घर में या मंदिर स्थान में रखेंगे तो उसका अनादर भी नहीं होगा और आप उससे बहुत अच्छी तरह से पूजा विधि विधान भी कर सकते हैं, जिससे वो पूजनीय हो जाएगी। इसके अलावा राम राम के लेखन की कॉपी भरने के उपरांत आप उसका क्या कर सकते हैं, इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप उस वीडियो को भी सुन सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं। फिर जब आपकी पहली कॉपी भर जाए तो आप एक दूसरी नई कॉपी बना लें और उसमें भी अभ्यास करते रहें। आपका नाम लेखन किसी भी कारण से रुकना नहीं चाहिए। तो ये थे वो तीन काम जो आपको अपने जीवन में भाग्य वृद्धि के लिए करने चाहिए। आपको बहुत बहुत सफलता प्राप्त होगी। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपको पसंद आएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।
इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।